श्रद्धेय सुरेंद्र सिंह झंझट जी गोंडा जनपद के गौरवशाली नाम होते हैं, जिनके चरणों में बैठकर हम जैसे तमाम रचनाकारों ने कविता का काल लिखना सीखा। उनकी प्रयोग धर्मिता अद्भुत, उन्होंने छंदों में नए नए प्रयोग किए, उनका पचामू छंद तो अद्भुत ही है। मैं उसकी चर्चा भी विनय भाई से कर रहा था, तो मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आपके जनपद के बहनीय हस्ताक्षर आदरणीय सुरेंद्र सिंह झंझट जी को आमंत्रित करता हूँ। अध्यक्षीय आशीर्वाद से समूचे आयोजन को अभिसिंचित करें। आपने शीश पर हाथ जब धर दिया, जो लगा भूमि को एक अंबर दिया, युग युगों से यहाँ मैं बुझा दी था, आपने फिर मुझे आज भी कर दिया। मंच पर उपस्थित माँ सरस्वती के व्रत पुत्रों, सबने अपना बेस्ट दिया, सबने बहुत बढ़िया पढ़ा और आज का कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा। और पांडे जी ने बहुत अच्छा संचालन किया, क्या कहें। हाँ, पूरे कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया और आप सभी अभी तक उपस्थित हैं। यहाँ टाउन हॉल की उपस्थिति भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, कभी कभी तो कार्यक्रम की शुरुआत में इतनी उपस्थिति होती है। 14 अगस्त के रात में कार्यक्रम आते थे हम सब, तो आधे कर्मचारी नीचे बैठ जाते, ये तो बहुत अच्छी उपस्थिति है। और आप सब बैठे हैं, भाई अजय दुर्गा जी, भाई अंशा मोहस्ती जी और आप सभी सम्मानित लोग। मैं आज हिंदी दिवस है तो एक रचना अपनी हिंदी पर करना चाहूंगा। अपने भारत वर्ष की पहचान है हिंदी, अपने भारत वर्ष की पहचान है हिंदी, और गरिमा है, गौरव है, हिंदुस्तान है। अपने भारत वर्ष की पहचान है हिंदी, गरिमा है, गौरव है, हिंदुस्तान है हिंदी, और तुलसी की चौपाई और कबीरा की साखी। तुलसी की चौपाई और कबीरा की साखी और सूर्य श्याम की मनमोहक मुस्कान है हिंदी। तुलसी की चौपाई और कबीरा की साखी और सूर्य श्याम की मनमोहक मुस्कान है हिंदी। और जायसी के पद्मावत में नागमती का दर्द, जायसी के पद्मावत में नागमती का दर्द, और प्रेम दीवानी मीरा का विश्वान है हिंदी। जायसी के पद्मावत में नागमती का दर्द, प्रेम दीवानी मीरा का विश्वान है हिंदी। केशव का पांडित्य और रसलीन की रसधारा, केशव का पांडित्य और रसलीन की रसधारा, और श्याम रंग में रंगी भक्त रसखान है, श्याम रंग में रंगी भक्त रसखान है हिंदी। और दिनकर की हुंकार बिहारी की नावत के दीप, दिनकर की हुंकार बिहारी की नावत के दीप, और नील भरी दुख की बदली अनजान, नील भरी दिनकर की हुंकार बिहारी की नावत के दीप, और नील भरी दुख की बदली अनजान है हिंदी। और खुसरो की मुंह बोली, खुसरो की मुंह बोली नूर मोहम्मद की प्यारी, खुसरो की मुंह बोली नूर मोहम्मद की प्यारी, और रहीमन के मन बसी रसीली दान है हिंदी, रहीमन के मन बसी रसीली दान है हिंदी। और भूषण की ललकार सुभद्रा की झांसी वाली, भूषण की ललकार सुभद्रा की झांसी वाली, और कभी शब्द तो कभी शब्द संधान है, कबीर चंद वरदाई का शब्द वेदता थी, कबीर चंद वरदाई का शब्द वेदता थी, और दादू और रैदास का हरिगुणगान है, दादू और रैदास का हरिगुणगान है हिंदी। और महाप्राण की पथ पर पत्थर तोड़ रही बाला, महाप्राण की पथ पर पत्थर तोड़ रही बाला, महाप्राण की पथ पर पत्थर तोड़ रही बाला, और हल्दी घाटी में चेतक की शान है, हल्दी घाटी में चेतक की शान है हिंदी। और नागर खंजन नयन यही बच्चन की मधुशाला, नागर खंजन नयन यही बच्चन की मधुशाला,
और घनानंद की आंगन खड़ी सुजान है, घनानंद की आंगन खड़ी सुजान है हिंदी और भोजपुरी अवधि ब्रजभाषा मैथिल का लाल भोजपुरी औसी अवधि ब्रजभाषा मैथिल का लालित्य और माँ के आचर जैसी ममतावान है, माँ के आचर जैसी ममतावान है हिंदी। और आओ करे प्रणाम मातृभूमि इस ममता को, भारत और भारती का सम्मान है, सम्मान है हिंदी। भूल जाओ पहचानो तक पहले चार लाइना फिर पांच लाइना वही पहचानो चार लाइना देखते आपकी शहीदों पर, ये जो देश के लिए शहीद हुए आजादी के लिए और एक जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए शहीद होते हैं, तो जो देश की सुरक्षा के लिए शहीद होते हैं उनके लिए चार मूर्तियां। ये अपमान जो बर्दाश्त कभी कर नहीं सकते, अपमान जो बर्दाश्त कभी कर नहीं सकते तोप से तलवार से भी डर नहीं सकते, अपमान जो बर्दाश्त कभी कर नहीं सकते तोप से बंदूक से भी डर नहीं सकते, हर दिल में सदा रहते सूरवीर की तरह होते हैं जो शहीद कभी मर नहीं सकते, सूरवीर की तरह होते हैं जो शहीद कभी मर नहीं सकते। ये देश है किसका, ये देश है किसका, जो जिन्होंने आजादी दिलाई हमको, कि गुंडों का नहीं है ये, दलालों का नहीं है, गुंडों का नहीं है ये, दलालों का नहीं है और डंडों का नहीं है ये, हवालों का नहीं है, गुंडों का नहीं है ये, दलालों का नहीं है और डंडों का नहीं है ये, हवालों का नहीं है। ये देश है हमारे शहीदों की अमानत, ये देश देश बेचने वालों का नहीं, देश है हमारे शहीदों की अमानत, ये देश बेच देश बेचने वालों का नहीं है, ये देश देश बेचने वालों का नहीं है। और देखें कि ये दुमदार लोहा सुन लीजिए, परिचित जी ने कहा बुराई सुनाए दो, बुराई सुन लीजिए कि प्राइमरी स्कूल में है निरीक्षण कह भी, प्राइमरी स्कूल में है निरीक्षण कह भी, और लड़के खिचड़ी खाते हैं मुखिया काटे खीर, कि प्राइमरी स्कूल में है निरीक्षण कह भी और लड़के खिचड़ी खाते हैं मुखिया काटे खीर, मास्टर मददगार है पढ़ाई मददगार। और नहीं मैंने मददगार कहा है, पढ़ाई में मददगार है मास्टर, बाकी तो मददगार है। नहीं आप बात सही कह रहे हैं, विद्यालय की समस्या यह नहीं है, विद्यालय समस्या यह है कि लड़के पहले पढ़ाई होती थी अनाज उनाज मिल जाता, अच्छा अब लड़के जाते हैं तो रसोई घर की ओर देखते हैं, अब तब तक रसोई घर की ओर देखते हैं जब तक कुछ बन नहीं जाता है, अब बन जाता है तो उसमें जुट जाते हैं, अब जुटने के बाद जब कस करके खा लिए तो बैठने मन नहीं करता, पढ़ाई होगी का है ये नहीं। देखिए सब कुछ सब जगह नहीं होता है, अब 80 करोड़ जनता जो फ्री का अनाज ले रही है उसको कौन खा रहा है, अगर स्कूल में खिलाने से ही बच्चे खाते हैं तो 80 करोड़ जो फ्री अनाज ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, पूरे परिवार का 5 करोड़ के हिसाब से मिलता है। मैं वही कह रहा हूँ जहाँ कमी होगी वहीं पर कुछ कहा जाएगा कि प्राइमरी स्कूल में है निर्गत है भी, लड़के खिचड़ी खाता है मुखिया काटे की, मास्टर मददगार है पढ़ाई बंदगा। मैं मुखिया प्रधान होता है, आप तो मददगार पढ़ाई में, आप बुरा मानने बात नहीं। और देखिए कि लूट लीज घर चोर तब खाने के रमदी, कि लूट लीज घर चोर तब खाने के रमदी और बचा खुचा सब जेब कह लीज दरोगा जी, कि लूट लीज घर चोर तब खाने के रमदी और बचा कुचा सब जेब कह ली दरोगा छी, ई हुए रपट लिखाई जियो मऊ से रे भाई। और देखें आप हॉस्पिटल अस्पताल
कि भर्ती हुए मरीज का खुला बाद में इलाज, कि भर्ती हुए मरीज का खुला बाद में इलाज और मर जाने के बाद भी दो दिन चला इलाज। भर्ती हुए मरीज का खुला बाद में इलाज, मर जाने के बाद भी दो दिन चला इलाज। हज पर पैसा भारी, डॉक्टर था सरकार। और ये परो अभी हमारे घर से आओ, श्री जी को परेशानी हो रही थी, हमारे राजे ओझा जी को भी हो सकती है, जो ये आरती दुआ है कि जज साहब को ऊपर बैठ सुने न्याय अन्याय, कि जज साहब को ऊपर बैठ सुने न्याय अन्याय और पेश कर नीचे रहे धीरे से सरगा। जज साहब को ऊपर बैठ सुने न्याय अन्याय और पेशकार नीचे रहे धीरे से सरका। वकीलों खड़े अगारी मुकदमा तीस भुसारे। और जो आपने पचारों का था ये वो मैं सुना देता हूँ कि सब लोग जो आते हैं जितनी पार्टियां कोई कहता है राम राज करेंगे, तो कहता आदर्श राज करेंगे, किसी विरोध नहीं है। हम कहते हैं कि आप कोई राज लाएंगे तो हमारे समाज में पाद कुपाद और महापाद रहने कहाँ जाएंगे, इसी पर ये पछाऊ रहे पाद राज कि पुनिहर भर है आम इनका के काटे, पुनिहर भर है आम इनका के काटे, जो पुलिस का बदला काम तो उल्टा के डांटे और नेक नाम बदनाम की अंतर के पाटे, सब नेता बने हैं राम तो चांदी के काटे। कि पुलिहर भर है आम इनका के काटे, जो पुलिस का बदला काम तो उल्टा के डांटे और नेक नाम बदनाम की अंतर के पाटे, सब नेता बने हैं राम तो चांदी के काटे और के कुकरे चारू धाम तो बदरी के चाटे।